नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर परिवार के लोग एक तरफ जहां भयभीत हैं, वहीं अब उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। परिजनों के मुताबिक अब तक पीड़िता के इलाज पर 40,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। आगे के इलाज कैसे चलेगा, इसको लेकर पूरा परिवार चिंतित है। विधायक सगड़ी बंद्रा सिंह ने पीड़िता घर पहुंची और पूरी जानकारी ली एवं पीड़िता की मां से मोबाइल पर बात कर सहयोग और न्याय का भरोसा देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में हम अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि यदि ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। विधायक ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता बालिका की बहन से भी बात की। उसने बताया कि अब तक मेरे दादा घर से 25,000 रुपया लेकर के गए थे जो खत्म हो गया, और 15,000 ननिहाल से भी मंगाया गया जो खत्म हो चुका है। पीड़िता के परिजनों ने विधायक को बताया कि कोई भी सामाजिक संगठन अब तक इलाज के लिए आगे नहीं आया। ज्ञात हो कि पीड़िता का वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है और उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। आइए सुनाते हैं कि बंदना सिंह विधायक सगड़ी ने क्या कुछ कहा। उसके फादर नहीं है यहाँ पे, उसकी मदर पीड़िता के साथ है। मैंने बात भी की फ़ोन पे, वो रो रही थी, सारी बातें नहीं बता पा रही थी। मैंने उसको समझाया और उसके बाद उससे कहा कि तुम घर आओ, बच्ची जब ठीक होके घर आ जाएगी। मैंने उससे ये भी पूछा कि वहाँ पे जो इलाज हो रहा है वो सुचारू रूप से हो रहा है, तो उसने बताया कि नहीं, ठीक हो रहा है। पर उस बच्ची को इतना दर्द है, इतना वो कराह रही है कि इस वजह से वो उसकी माँ परेशान है। और जो दर्द एक माँ समझ सकती है, मुझे लगता है कि कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को। और अगर हमारा समाज उस बच्ची के साथ खड़ा होता है, उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है, तो हमें विश्वास है इस न्यायपालिका पे कि उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। और मुझे उसकी एक बहन मिली, उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। और उसकी बहन रो भी रही थी, उसकी बहन बड़ी थी। उस बच्ची को तो इतना तक नहीं पता कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, लेकिन उसके साथ अपराध हुआ है। उसने बताया है कि नहीं, मेरे साथ ऐसे ऐसे दानिश ने किया है। रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ रही, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की, देखिए कानून व्यवस्था की तो आप लोग देख ही रहे हैं जो हालात हैं हमारे यहाँ के। मैं उस पर अभी फ़िलहाल नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है।